बिहार के सासाराम के इस हनुमान मंदिर की कहानी अद्भुत है। हनुमान भगवान के इस मंदिर में लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, जो दशकों दशक से चली आ रही है। इस मंदिर से जुड़ी है एक बेहद दिलचस्प कहानी, वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले मंदिर के इन अद्भुत नजारों को देख लीजिए। क्या गर्मी, क्या ठंड का मौसम और क्या बरसात, लोग इस मंदिर में खींचे चले आते हैं। इस मंदिर का गेट 4 बजे सुबह खुल जाता है। इस मंदिर की चर्चा दूर दूर तक है। दूसरे राज्यों से भी भारी संख्या में भक्त यहां आते हैं। कहते हैं जो इस मंदिर में हनुमान जी को सिंदूर लगाकर उनके सामने दीपक जलाता है, उस पर से शनि का प्रकोप खत्म हो जाता है। मन में रखते हैं वो हमारा पूरा हो जाता है। डेली हम आते हैं इनके आश्रम में नहा धोवा करके अपना इनका आरती करने में लगे रहते हैं। हम जब भी यहाँ पर आते हैं एक ही चीज़ सोच कर आते हैं, बस हनुमान जी के शरण में कुछ मिल जाए। जब से हम यहाँ पे आना शुरू किए हैं तब से हमेशा एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया है, और हर समय हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि एग्ज़ाम में हम कुछ छूट रहे हैं। कहते हैं कि ये मंदिर मनोकामना पूरी करता है, तभी तो नौकरी मांगने से लेकर केस जीतने तक के लिए लोग इस चमत्कारी हनुमान के चक्कर लगाते हैं और अपनी आस्था प्रकट करते हैं। यहाँ जो भी आते हैं नौकरी के लिए मन्नत मानते हैं, उनका मनोकामना हनुमान जी पूरा करते हैं। कोर्ट कचहरी में लोग केस लड़ते हैं, यहाँ आकर मन्नत मानते हैं तो उनका भी मनोकामना हनुमान जी पूरा करते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी भी है, जिसे लेकर कहा जाता है कि नोखागढ़ के राजा भगवत दयाल सिंह एक बार कैमूर के जंगलों में शिकार करने गए थे। उस जंगल में उन्होंने देखा कि एक स्थान पर जमीन में कंपन हो रही है। उन्होंने अपने आदेश पालकों को आदेश दिया कि इस स्थान पर भूमि की खुदाई करें, और उसकी खुदाई से हनुमान जी की मूर्ति मिली। उस मूर्ति को राजा ने अपनी गाड़ी पर लादकर नोखा की तरफ ले चले, लेकिन रास्ते में इसी स्थान पर बैलगाड़ी का चक्का टूट गया। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन इस मूर्ति को दूसरी गाड़ी पर लादकर वो नोखा नहीं ले जा पाए। जब राजा रात में सोए तो भगवान हनुमान उनके सपने में आए और राजा को आदेश दिया कि उनकी स्थापना इसी स्थान पर की जाए। उसी वक्त से इस स्थान को सासाराम का महावीर स्थान के नाम से जाना जाता है। विशाल मूर्ति मिला और वहां से वो लेकर बैला गाड़ी में अपने चले, मंगवा कर बैला गाड़ी और लेकर चले, और यहां आकर रात्रि में विश्राम किए। और रात्रि में जब विश्राम किए, सुबह हुआ तो देखे कि एक चक्का पुनः पृथ्वी में धंसा हुआ है, टूटा हुआ है, तो खुदवाने लगे और महावीर जी को ले जाने की कोशिश करने लगे, तो महावीर जी नहीं गए। अंततः वह बैला गाड़ी से खिंचवाए, हाथी से खिंचवाए, बहुत पहरियों से खिंचवाए, लेकिन फिर भी हनुमान जी नहीं गए। और वो कहे कि मैं जहाँ हूँ वहीं मेरा स्थापना करो और यहीं से हम सबका रक्षा करते रहेंगे। इस मंदिर के बगल में हनुमान जी की माता अंजना देवी विराजमान है। वहाँ वो अपने छोटे हनुमान जी को गोद में लिए हुए हैं। इस मंदिर के प्रांगण में एक पीपल का पेड़ है, जो 1300 ईस्वी के आसपास का बताया जाता है। सासाराम से मनोज सिंह, बिहार तक।